IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव महो में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से नेम सिंह पुत्र राज बहादुर निवासी बाढ़ हसैन की मौत हो गई, जिससे झोलाछाप के यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर धर्मेंद्र पौरुष निवासी नगला लिया मौका पाकर दुकान का ताला बंद कर भाग गया तथा नेम सिंह के पुत्र अरविंद ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर आ गई। अरविंद का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरे पिता की जान चली गई है तथा पुलिस जबरन फैसला कराना चाहती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते झोलाछाप डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीब जनता से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। तुम्हारा कहाँ रहते बार। ये जो खत्म हुए ये कौन है आपके? राजी। क्या नाम था इनका? क्या तबीयत खराब हुई थी इनकी? खांसी। आज खांसी कुछ नहीं है और साथ है। अच्छा, फिर डॉक्टर के पास लाए आप? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने दवा खवाई दी है, इंजेक्शन लगाए, फायदा फायदा कुछ ना मिलो, फिर दोबारा दो तीन तो क्या डॉक्टर की लापरवाही है इसमें? इंजेक्शन लगा के भाग रहे, मतलब दोबारा दी कुछ नहीं है, उन्होंने खिलाफ पूछी गए क्या परेशानी है, बताओ कैसे नहीं पूछ रहे के पापा कैसे फायदा के ना। फिर उसके बाद खत्म हो गए, मतलब लाएगा वो पकड़वा के लाए, तो एक लड़का और उन्होंने डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो जानते हैं पकड़वा के बिक्की बैठे वाले बिक्की मैंने चालू करिए, वो पापा बोले चल बिक्की चालू कर, क्या डॉक्टर जो है दुकान छोड़ के भाग गए यहाँ से? हाँ, डॉक्टर भाग गए, टाउन से वाइन की बात हुई, तब तक तो नहीं वो आज टाइम लगा दे दे भाग गए। क्या नाम है डॉक्टर का? अरविंद पौरुष। तो पुलिस भी आई है यहाँ पे? आई। क्या करा रहे हैं आप? कुछ मेरे FIR दर्ज करा रहे हैं या फैसला हो रहा है? FIR दर्ज मत कराओ, तो पुलिस जबरन कर रही है आपसे कि FIR मत कराओ, फैसला कर लो और अच्छा पुलिस ये करिए अपने कर ले जाओ। GSS Kids English Medium School, Near Charmed Gate, Old Durga Mandir, Jalesa Road, Hathras. We are faculties, competent and trained teachers, personality development, yoga classes, splash pool, sand play, art and craft workout, music and dance room, transport facilities, and modern infrastructure, modern architecture, air-conditioned classroom, RO water, hygienic sanitation, CCTV surveillance, play zone for pre and primary section, modern teaching aids, video theater education.